भुट्टो जिसने इस मुल्क को आइन दिया कि शहीद भुट्टो की बताई हुई उसूल, उनके बताया हुआ नजरिया अभी भी पाकिस्तान में जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गड़ी खुदा बख्श में आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी मनाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला कयादत वहां मौजूद है और एक जलसे का अहतमाम किया गया जिसमें बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर सिंध, उनके समेत कमरुज़मान काहिरा भी थे और इसके अलावा एतजाज़ हसन साहब, उन सब ने तकारीर तो की लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट खिताब था वो था बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि को चेयरमैन हैं। दोनों ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर कड़ी तनकीद की और जरदारी साहब ने यह कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी और ऐवानों से इनको उठाकर बाहर फेंक देगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम का 1 यूनिट का जिक्र किया और कहा कि अगर 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश की गई तो वो इनकी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। ये जिस किस्म का कॉन्फिडेंस इन्होंने दिखाया है, आज इस पूरे जलसे पर हम बात करेंगे, तज्जिया करवाएंगे अपने मोहतरम मेहमानों का। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी भी उस किस्म की, मैं कहूँगी आइडियोलॉजी तो इनके वर्कर्स में ज़ाहिर है, तभी वो नज़रियाती हैं जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, हर साल अकीदत अपनी शो करने के लिए गड़ी खुदा बख्श में जमा होते हैं, लेकिन जिस पीपल्स पार्टी का वो जिक्र कर रहे हैं कि जो कि ऐवानों से मौजूदा हुकूमत को निकाल बाहर करे, क्या तमाम पाकिस्तान में वो आज इस तरह से पीपल्स पार्टी को उठा पाएंगे? वो क्या प्लान है या ये सिर्फ आज की मुनासबत से उन्होंने ऐसी बात कही? इसी पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार हैं ज़ैगम खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियो। उज़्मा कारदार साहिबा पंजाब असेंबली की मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगी आपकी तरफ आऊँ ज़ैगम, वी न्यू दैट आज की जो तकरीर का जो महवर होगा वो जाहिर है कि एक एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से होगा और एक मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। जरदारी साहब ने भी जिक्र किया कि मैंने पहले ही कहा था कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, 18वीं तरमीम ख़त्म करने के लिए मुझ पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौजूदा हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने आज ललकारा है, क्या वो दमखम पीपल्स पार्टी में मौजूद है टू गेट दिस अक्रॉस? और आज की सिर्फ यू नो बिकॉज आज 40वीं बरसी हम मना रहे हैं, सिर्फ इसलिए ये एक जलसे या जोश खिताबत में कहा गया है? जी बिल्कुल, दमखम नहीं है और वाज़े तौर पर नहीं है। और जरदारी साहब का जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था, सवाल ये कि इन्होंने पहले कब बता दिया था? 2 साल से तो ये पीटीआई की हिमायत कर रहे थे। आप देखिए कि बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने में भी ये उनके साथ थे, सनजरानी फार्मूला में भी ये उनके साथ थे, सेनेट के चेयरमैन में भी ये उनके साथ थे। फिर उसके बाद जब इंतखाबात का मसला आया कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का और बाद में सदर का, उस वक्त भी वो अपोजिशन के साथ नहीं थे। तो एक वाज़े तौर पर वो तो एक तरह की मसालियत कर चुके थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मुक्तदर कुवतों के साथ या इस वक्त की हुक्मरान पार्टी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके थे। तो ये जिसका वो बता रहे हैं कि मैं पहले ही कह रहा था, तो वो तो पहले तो नहीं कह रहे थे, 2 साल बिल्कुल नहीं कह रहे थे। दूसरे जमहूरी लोग उनको कह रहे थे कि आप अपना रवैया दुरुस्त करें, जमहूरी कुवतों के साथ दें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त आप पर भी पड़ेगा। और वो मुश्किल वक्त उन पर पड़ गया, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे थे और वो ये सुन भी नहीं रहे थे कि ऐसा होगा। तो अब उन पे वो वक्त आ गया है, इस वक्त उनके पास कोई चारेकार नहीं है। 2 साल से तो ये नवाज शरीफ के खिलाफ यहाँ पे खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे, तो अब एकदम से ये हुकूमत के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करने शुरू हुआ है। तो ये जो लिंक है इनका, जिस हालात में ये तकरीरें हो रही हैं और जिस हालात में पीपल्स पार्टी ने रुख बदला है, मेरा ख्याल है वो कोई मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी समझना, एक सादा आम पाकिस्तानी के लिए भी समझना। ओके सही, तो आप ये समझते हैं कि केसेस हैं जिसकी वजह से ये एकदम से रुख चेंज हुआ? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि सेनेट के इलेक्शंस नहीं भूल सकते, बलूचिस्तान में जो हुकूमत गिराने का काम था वो पीपल्स पार्टी का नहीं भूल सकते, लेकिन अब जिस तरह से ये मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब,
क्या आप समझते हैं जैसे जैखम का तज्जिया है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस तरह से नहीं कर सकती कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को जमा कर ले, या अब भी इनमें आप समझते हैं जरदारी साहब हैज़ दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मूला जो हमेशा कामयाब हो जाता है? लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी इज बिकम अ रीजनल पार्टी, प्रोविंशियल पार्टी रह गई, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है जब आपकी मुल्क से नेशनल पार्टीज ख़त्म हो जाए, रीजनल पार्टीज बन जाए। पहले PPMLN भी नेशनल पार्टी थी, फिर पीपल्स पार्टी भी नेशनल पार्टी थी। ये दो पार्टीज एक सिंबल ऑफ फेडरेशन होती है। जब आपकी रीजनल पार्टीज होती हैं तो उससे लगता है कि आपका जो है फेडरेशन कमज़ोर हो रही है, पवनती स्ट्रांग हो रही है। एक तो ये बात है। इस वक्त ये सारी बातें हैं, राइज ने बहुत इंतज़ार किया कि शायद ये गवर्नमेंट नई या इस्टेब्लिशमेंट उनको कहीं रिलीफ दे दे और PMLN की तरह इनकी तरफ ना केसेस हों। जब अल्टीमेटली उन्होंने ये सोच लिया कि अब पानी सर से गुजर गया, केसेस भी बन गए, ओमनी ग्रुप में प्रॉब्लम आ गई, बेनामी अकाउंट्स की आ गई, उस वक्त वो अब खड़े हुए हैं टू शो गिव अस शो फोर्स, बताना चाहते हैं कि स्टिल वी आर स्ट्रॉन्ग, और हमें अगर दोबारा हाथ डाला गया या सख्ती की गई या लेट से क्या कहीं जाके बेल्स कैंसिल होती हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। बट आई पर्सनली फील कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नाउ मच मच अवेयर, और उनका अवेयरनेस आ गई है और वो समझ गए। लेकिन कुछ इनके बड़े टिपिकल हम कहेंगे जिस पर पीपल्स पार्टी अक्सर नाराज भी होती है, उस पर भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन पहले जरा इनिशियल उज़्मा कारदार साहब आपका रिएक्शन मैं देखना चाहूंगी आज की जो तकरीर हुई है बिलावल भुट्टो साहब की भी और जरदारी साहब की, जिसमें आपकी हुकूमत को मीशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से कड़ी तनकीद की है उन्होंने। जी नादिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम पे। बड़ी एंटरटेनिंग स्पीचेस थी। जब एक शख्स को पता चल जाए कि अब जो रूल ऑफ लॉ है और जो कानून की गिरफ्त जो है वो बहुत सख्त होने जा रही है, तो फिर चीखें चलाना और इस तरह के जलसे जुलूस जो हैं वो आपको नजर आएंगे। जिस तरह आपके तजियाकार ने अभी कहा कि 2 साल से तो ये इनका और एक पॉलिसी थी और एक और स्ट्रेटजी के मुताबिक ये चल रहे थे, तो मैं तो नादिया सिर्फ इससे इनसे हमदर्दी कर सकती हूँ, क्योंकि वो पार्टी जो एक नेशनल पार्टी थी अब सिमट के सिर्फ एक सूबे तक महदूद रह गई है। तो ये जो इनका एक यू नो बयानिया है कि जी इवानों से जाके हम इस हुकूमत को निकाल देंगे, तो इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि इवानों से तो अवाम ने इनको अब निकाल दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया होता तो अभी भी ये नेशनल पार्टी होते, तो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। अब बात सारी ये है कि 8 महीने तो इन्हें इंतजार किया कि शायद कोई डील हो जाए, लेकिन इमरान खान के आने से इनको ये बावर हो जाना चाहिए था कि वो NRO टाइप की कोई चीज उनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो इसलिए इनको अब निकलना पड़ा, क्योंकि ये वाकई अपने अब्बा जान को बचाने के लिए निकले हैं, क्योंकि अब्बा जान जो है वो 29 जो नैब केसेस हैं उनको अब उनको फेस करना पड़ेगा, जो मर्जी। तो इसलिए दूसरे इनका जो ये 18वीं तरमीम को मुझे तो हंसी आ रही थी कि अब 18वीं तरमीम जो है वो इनको क्यों इतनी मोहब्बत है उसके साथ। इसलिए मोहब्बत है क्योंकि वो जो PSDP का 10 साल का 2000 अरब का जो फंड था उसमें से नादिया 35% जो था वो जरदारी ग्रुप्स, ओमनी ग्रुप्स, बैरिया ग्रुप इनके अकाउंट्स में ये बेनामी और फेक तरीकों से ये जाता रहा। तो अब अगर 18वीं तरमीम की ये बात करते हैं तो जाहिर है लेकिन एक ये जो 18वीं तो खत्म 18वीं तरमीम पे आप कह रही है ना, इस पे जरा क्लैरिटी मैं आपसे भी ले लूंगी, लेकिन आपकी गुफ्तगू को बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक से जब वापस आएंगे, जब हम बात कर रहे हैं रीजनल पार्टी के हवाले से, जिस रीजन की बात कर रहे हैं वो रीजन डाई हार्ड फैन है ऑफ भुट्टोस, ये कितना बड़ा फैक्टर बन सकता है और इसका किस हद तक नुकसान हो सकता है? जरा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जैखम खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और उज़्मा कारदार साहिबा आज की इस नशिस्त में, गड़ी खुदा बख्श में जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत को ललकारा है, इसके पीछे क्या है और क्या वो कभी कामयाब हो सकेंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। जैखम, ये बात बिल्कुल सच है कि ऐवानों में अगर जैसे उज़्मा साहिबा ने ब्रेक से पहले कहा वो जगह नहीं हासिल हुई, इन्हें पंजाब में नहीं हुई, बलूचिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, सिंध तक सिमट कर रह गए हैं और नाराज़ होते हैं अगर आप इनसे कहें कि ये सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं
तो सबके वो पीपल्स पार्टी ने लास्ट टाइम भी कहा था कि सिंध कोई ताश का पत्ता नहीं है जिसे आप कार्ड कह दें, लेकिन आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी स्पीच में जब घोटकी का जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर के आने का, तो उन्होंने कहा कि आपको सिंध की क्या ज़रूरत नहीं है, सिंध को आपकी ज़रूरत नहीं है। ये मोमेंटम कितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंध में तो यू नो कि जिस तरह से इन्होंने सीटें भी जीती, अभी एक ट्रेन मार्च तो नहीं कहूँगी मैं उसे, लेकिन एक उनका सफ़र था उसमें उनको वालिहाना इस्तकबाल मिला, यू नो कि भुट्टो का फैक्टर बहुत बहुत ज़्यादा है इन सिंध। डू यू थिंक दिस कैन बिकम अ प्रॉब्लम अगर जरदारी साहब को, अगर जरदारी साहब को हम देखें कि उनको जेल भी हो जाती है और बड़े मसाइल हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए इसको थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। पहली तो बात, जैसे हमने अभी सब ने गुफ्तगू की कि पीपल्स पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी थी, और अपने तौर पर कोई बहुत बड़ी तहरीक शायद चलाने की पोजीशन में नहीं है, हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने की पोजीशन में नहीं है, पहली बात। लेकिन उसके साथ ये जहन में रखिए कि जो अपोजिशन है, इस हुकूमत की अपोजिशन एक बहुत ही मजबूत अपोजिशन है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी मजबूत अपोजिशन कम रही है। अगर आप नंबर्स में देखें, वोट्स में जो उनका शेयर है उसको देखें, असम्बलियों में जो उनका हिस्सा है उसमें देखें, इसलिए अपोजिशन मिलकर हुकूमत को बहुत मुश्किल वक्त दे सकती है। तीसरी बात यह कि इस कमजोरी के बावजूद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे में हुकूमत भी रखती है, और जैसे आपने कहा वहां बहरहाल बहुत बड़ी फॉलोइंग भी मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी कितनी मुश्किल दे सकती है? वो उतनी ही मुश्किल दे सकती है जितनी की गलतियां मौजूदा हुकूमत करे, जितनी बेवकूफियां मौजूदा हुकूमत करे, और ये कर रही है। बेवकूफी करनियों की कोई कमी नहीं है। 18वीं तरमीम खुद इसकी एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने जो एक 60 साल पुराना मसला था कि फेडरेशन और सूबों के दरमियान जो झगड़ा चल रहा था, जो मसाइल थे जिसकी वजह से मुल्क टूट गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम के दरमियान में एक नफरत थी, 18वीं तरमीम ने उस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जब से 18वीं तरमीम आई, आपके शोज़ में सूबों और विफाक के झगड़े की कभी बात नहीं हुई। ये अब से दोबारा शुरू हुई है जब PTI ने दोबारा 18वीं तरमीम पर सवाल उठाया है, और सवाल ये उठाया है कि विफाक के पास बाकी बच कुछ नहीं रहा। भाई विफाक के पास बाकी कुछ नहीं बच रहा तो इसलिए बच रहा कि आपके टैक्स जमा करने की सलाहियत अच्छी नहीं है, आप टैक्स जो है वो जमा नहीं कर पा रहे। आपने कहा था कि हम 8,000 अरब रुपए तक टैक्स को लेकर जाएंगे, लेकिन जो आपने जमा करना था उससे भी कम जमा कर रहे हैं, और टैक्स में जो बढ़ने की रफ्तार थी वो नहीं हो रही। और फिर एक ऐसा मसला जो 60 साल तक पाकिस्तान की रगों में एक जहर बन के फैला हुआ था, आप उसको उठा रहे हैं, और बजाय कंसेंसस बिल्ड करने के, बजाय सबके साथ बैठकर ये बात करने के कि ये फेडरेशन के मसाइल हैं और ये फेडरेशन ने आपको दिया है, आइए इस मसले को हल करें, वो इसको एक झगड़े की तरफ लेकर जा रही है। यानी PTI जो है वो 18वीं तरमीम को एक नया कालाबाग डैम बना रही है। अच्छा, और तो आप अगर PTI, अगर आपने कहा ये गलतियां ये करेंगे तो ऑपोजिशन मजीद स्ट्रॉन्ग होगी, तो उनके पास ज्यादा स्पेस बनेगी, और ऐसा वक्त आ जाएगा जिसमें इनके खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक बन सके, इनके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो सके। लेकिन ज़ैहम शायद ये भूल रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री ज़ैहम से यहाँ पर इसलिए करूंगी, और ब्रिगेडियर साहब आप इस पर कॉमेंट कीजिएगा कि जी बिल्कुल ठीक, ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मिलकर तहरीक चलाना चाहे तो कर सकती है, बट हम दूसरी साइड जो ऑपोजिशन का दूसरा रुख है वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब हैं जो नोन है कि शायद वो उस किस्म की सियासत ना करें, और वो अभी नज़र भी आया जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की वापसी थी, उनके जेल से वापसी थी, सारी चीज़ें थी। डू यू थिंक कि अगर मौजूदा हुकूमत 18वीं तरमीम के हवाले से वाकई बहुत ज़्यादा एक संगीन सिचुएशन क्रिएट कर देती है अपोजिशन के साथ, तो ये तहरीक अपोजिशन चला पाएगी और नून साथ देगी पीपल्स पार्टी का? देखें नादिया, बेसिकली बात यह है कि 18वीं तरमीम की अभी कोई बात नहीं करेगा मेरे नहीं ख्याल के, जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती। और बातें तो शुरू हो चुकी हैं, देखें बातें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी उस तरह ज़्यादा स्पीड में नहीं आ जैसे आनी चाहिए। वजह यह है कि इस वक्त अपोजिशन बहुत वीक है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। वजह यह है कि उनकी मेन लीडरशिप दोनों की करप्शन में इन्वॉल्व है, एक पूरी तरह तरीके से शिकंजे में आ चुके हैं। अगर आप देखें एहतसाब के अंदर, चाहे शरीफ फैमिली पूरी आप ले लें और डिफरेंट वजीर वज़रा ले लें, पीपल्स पार्टी को लग रहा है ओमनी ग्रुप और बाकी अभी जैसे JIT चल रही है और कुछ रेफरेंस फाइल हो जाएंगे। जब आपकी लीडरशिप वीक होती है, करप्शन में इन्वॉल्व होती है, मॉरल ग्राउंड खो चुकी होती है, तो फिर अवाम उस स्पीड पर साथ नहीं खड़े, क्योंकि अवाम में अभी बड़ी अवेयरनेस भी आ गई है। तो दोनों चीज़ों को हमें वे करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इस वक्त जिस आवाम की बात कर रहे हैं वो एक डाई हार्ट फैंस हैं भुट्टोस के, और एक डाई हार्ट फैंस हैं लीगी का। यस, लेकिन आप देखें ना,
पंजाब में पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जो जबकि पीपल्स पार्टी का मेन गढ़ और उनकी मेन स्ट्रेंथ जो थी भी पंजाब, सही पंजाब का ज्याला जो था वो मेरे ख्याल में सिंध के ज्याले से कोई कंपैरिजन ही नहीं था। दे और वो और सब डिसाइड होकर आपने देखा डिफरेंट पार्टीज में चले गए हैं और पीएमएलएन के ऊपर भी अब आहिस्ता आहिस्ता उनका अतमाद कम होता जाएगा। देखिए लोग चाहते हैं स्टेबिलिटी और उसके बाद करप्शन ख़त्म हो, आवाम को फ़ायदा हो, आवाम की फलाह के लिए काम हो। डू यू थिंक 18वीं तरमीम वाकई ही इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी का बायस बन सकती है? आई डोंट थिंक, इसलिए देखें 18 अमेंडमेंट जो है ना, ये एक बेसिकली याद रखें कि ये सूबों को फेडरेशन को कमज़ोर करती है, ठीक है? आप भी ये समझते हैं? ऑफ कोर्स, इसलिए कि फेडरेशन सिंबल ऑफ फेडरेशन ये है कि सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, जबकि डिफरेंट फोर्सेस पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बैरूनी कुवतें चाहती हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाए और पाकिस्तान के सूबे कमज़ोर हों, छोटा पाकिस्तान easy to handle by foreign। आपको ये लगता है कि विफाक 18वीं तरमीम से कमज़ोर हुआ है और स्ट्रॉन्ग वापस जब ही होगा जब 18वीं तरमीम स्ट्रॉन्ग होगा और साथ मिलिट्री इज द सिंबल ऑफ फेडरेशन, तो अगर फौज के ऊपर जिस तरीके से अटैक किए जाते हैं, बाहर लूट जाते हैं, आवाम फौज को दूर कर दें, सूबे भी नाराज हो जाए, तो जितनी फौज स्ट्रॉन्ग होगी पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। इस नजरिए को लेके मैं सोच रहा हूं। तहरीक इंसाफ क्या समझती है उस्मा साहिबा 18वीं तरमीम के हवाले से? क्या अभी तो जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि अभी तो जरा थोड़ी स्टेबिलिटी आने दीजिए, लेकिन यू नो अल्टीमेटली 18वीं तरमीम से आपको भी लगता है आपकी जमात को कि बहुत नुकसान हुए, इसे खत्म हो जाना चाहिए? देखिए नादिया, बात सारी ये है कि इस वक्त नंबर वन हुकूमत सिक्योर है, ये जो अपोजिशन की बड़कें इधर से आए हम हटा देंगे कर देंगे, देखें फेडरल में हकूमत हमारी है, सदर हमारे हैं, पंजाब में, केपी में, हमने केपी में भी 5 साल अलायंस के साथ हकूमत की और अब भी हमें पता है कि किस तरीके से अलायंस को लेके साथ हमने बढ़ना है, तो हकूमत को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं किसी भी किस्म का। अब 18वीं तरमीम का ये मसला है कि देखें अगर तो ये सूबे इसको सही इस्तेमाल करते जो इनको फंड्स मिले थे, तो फिर तो सूबों में इस वक्त तालीम, इस वक्त सेहत, इस वक्त साफ पानी, सिक्योरिटी, हर चीज़ वाफिर होनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि पंजाब में जो एनएफसी अवार्ड्स का जो 55% जो हिस्सा था वो शहबाज शरीफ ने लाहौर में लगा दिया, जनूबी पंजाब में जहाँ पे 9 करोड़ आवाम बस्ती है वहाँ पे अभी भी जानवरों के साथ लोग पानी छप्पड़ से पीते हैं, सिंध में आपने अगर जेआईटी रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी हो तो होशरुबा किस्म की इस्तेसाल जिस तरीके से, यानी कि लोगों को जानबूझ के अनपढ़ रखा गया ताकि वो अपने हक के लिए आवाज ही ना उठा सके, और जिस तरीके से सेवन जहाँ से इनका चीफ मिनिस्टर है, आप जरा जाके वहां पे देखेंगे औरतों की कमरें झुक गई हैं कि वो 25-25 मील दूर डेली चल के आती हैं सिर्फ पानी पीने का ले जाने के लिए अपने घरों का। तो इन्होंने ये अब देखें, अब बात सारी ये है कि हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन जो है इस वक्त 4,500 अरब है, अब उसमें से 2,000 अरब माशाल्लाह इन लोगों के जो तोहफे हमें मिले वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है क्योंकि हमने तौक अपने गले में आए नहीं, तो 18वीं तरमीम अल्टीमेटली आप समझते हैं कि खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन 18वीं देखे नहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसे एरियाज होने चाहिए जहां फेडरल हुकूमत और प्रोविंशियल हुकूमत मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करें, और कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि खालिसतन सूबों के पास होने चाहिए, ये नहीं कि आप सारा कुछ ही उठा के दे दें और फेडरेशन जो है वो मुंह देखती रह जाए और आप उनको बिल्कुल अब देखें ना जो 2.5 ट्रिलियन जो है वो एनएफसी अवार्ड्स में चला जाता है सूबों को, तो आपका जो वफाक है वो तो खाली है, वो तो जीरो से भी स्टार्ट नहीं दे रहा क्योंकि 700 अरब के जब उनके खर्चे अगर आप निकालते हैं तो वो तो अब आप खसारे में अपने आप को शुरू करते हैं, तो वफाक तो बिल्कुल उसके हाथ पांव आपने तोड़ दिए हैं, तो ऐसे तो नहीं मुल्क चला करते, सबको मिलके इकट्ठे चलना है। अगर वफाक किसी अब जिस तरह 162 अरब का पैकेज अगर कराची में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो पैसे वफाक के पास कहां से आएंगे क्योंकि उनका तो आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अल्टीमेटली इट इज इकोनॉमिक्स दैट इज हर्टिंग। 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक जो है वो इस हद तक कमजोर हुआ है कि सारी चीजें सूबों को अगर एनएससी अवार्ड के तयशुदा फॉर्मूले के तहत चली जाती है तो वफाक के पास जो पैसे बचते हैं जिसमें डेट सर्विसिंग करनी है, इसके अलावा जो बजट देना है अफवाज पाकिस्तान को, और इसके साथ साथ जो दीगर उमूर हैं वो कैसे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 18वीं तरमीम इन द लॉन्ग रन मौजूदा हुकूमत
को इसके हवाले से कुछ ना कुछ करना होगा। ये कैलकुलेशन जरदारी साहब की क्या सही है? इज ही रियली स्मेलिंग द राइट बीन्स और नॉट? लेट्स टेक अ ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे जैगम से पूछते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किस हद तक 18वीं तरमीम को छेड़ सकती है और इसको वाकई छेड़ना चाहिए? जैगम, आप समझते हैं कि जरदारी साहब की शायद गलत कैलकुलेशन थी, वी वुड से, बिकॉज दो साल वो तो तहरीके इंसाफ का साथ दे रहे थे इस उसमें कि शायद इनके साथ तो मामला ठीक रहेंगे, अब वो कहते हैं कि इस हुकूमत को चले जाना चाहिए है। तो इस वक्त जो 18वीं तरमीम के हवाले से वॉट ही इज़ थिंकिंग कि वाकई 18वीं तरमीम ख़त्म कर दी जाएगी, आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी की ये कैलकुलेशन ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है और पीपल्स पार्टी को मालूम है अच्छी तरह कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई तरमीम आती हैं और ख़ासतौर पर 18वीं तरमीम जो एक मामूली तरमीम नहीं थी, आपने एक लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन को असर नौ तरतीब दिया, ठीक है, यानी आइन बनने के बाद ये पाकिस्तान में आइन साजी की दूसरी बहुत बड़ी मश्क थी। और NFC अवार्ड जो 2000 और 2500 अरब रुपए की बात उसमें साहिबा कर रही है, ये उसका एक हिस्सा है, इसका ताल्लुक NFC अवार्ड से है। तो आपको रिव्यू करने की, कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, okay. और मेरी राय में इन चीज़ों पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन मुझे खदशा ये है कि PTI ने जिस तरीके से इस मसले पर सियासत शुरू की है, ये बात नामुमकिन हो जाएगी कि 18वीं तरमीम को हाथ भी लगाया जाए। ये उसी तरीके से हुआ है, होगा जिस तरीके से कालाबाग डैम का हुआ कि उसको मिसहैंडल करके पहले ज़ियाउल हक ने, उसके बाद दूसरी हुकूमतों ने ये नामुमकिन बना दिया कि डिज़ाइन तब्दील करके भी आप कालाबाग डैम नहीं बना सके। तो अभी देखिए, आईनी तरमीम आसान नहीं होता। आईनी तरमीम को करने के लिए आपको दोनों हाउसेस से दो तिहाई की सपोर्ट चाहिए होती है। तो आपको तो ये नजर आ रहा है कि 7 साल 7 महीने के अरसे में PTI जो है वो एक सादा सी जो लेजिस्लेशन है, एक सादा सी कानून साजी भी नहीं कर सकी, एक कानून भी पास नहीं करा सकी। और एक आप आईन में इतनी बुनियादी तरमीम की बात कर रहे हैं और जबकि वो ना तो किसी कंसल्टेशन की तरफ जा रही है, ना कोई रोड मैप दे रही है और ना उसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि आईनी तरमीम करे। उसने सूबों को एक नैरेटिव दे दिया है कि वो 18वीं तरमीम को उठाकर विफाक पर, विफाकी हुकूमत पर हमला आवर हो। तो मेरे ख्याल में जब 18वीं तरमीम को उठाने की बात है, ये जरदारी साहब बड़ी होशियारी से इसको उठा रहे हैं और आप देखेंगे कि दूसरे छोटे सूबे भी हो सकता है उनके हम आवाज़ बन जाए, वहाँ से भी ऐसी ही आवाज़ें उठने लग जाए और इससे पाकिस्तान के विफाक को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। बट जैगम, क्या आप भी समझते हैं जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम से विफाक कमज़ोर हुआ है? बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुआ, मेरी राय ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। विफाक उस वक्त कमज़ोर होता है जब विफाक और विफाकी इकाइयों के दरमियान में झगड़ा होता है। आप देखिए 18वीं तरमीम से पहले का पाकिस्तान का माहौल देखिए, फेडरेशन के प्रॉब्लम्स देखिए, फेडरेटिंग यूनिट्स और फेडरेशन के दरमियान में झगड़े देखिए और 18वीं तरमीम के बाद में देखिए। जब से 18वीं तरमीम आई है, आप देखिए सूबाई नैरेटिव पर वोट लेना मुश्किल हो गया है। किसी भी सूबे में किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल है कि वो विफाक को गाली देकर, वो पंजाब को गाली देकर, इस्लामाबाद को गाली देकर लोगों को इकट्ठा कर सके। कहाँ है सिंध कार्ड? आप देखते हैं कि क्या लोग अब इस बात को तवज्जो देते हैं? सिंध में लोग तमाम सूबों में अपनी सूबाई हुकूमतों को अकाउंटेबल बनाते, क्या आप किस इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? बजट तो सब आपके पास है, लोगों को ये मालूम है। तो वो तोपें जो विफाक की तरफ चलती थी, 18वीं तरमीम के बाद उनका रुख सूबाई हुकूमतों की तरफ हो गया है, सूबाई हुकूमतों के दरमियान में एक कंपटीशन पैदा हो गया है। और अगर 18वीं तरमीम ना होती तो आज PTI मुल्क में हुकूमत ना कर रही होती, अच्छा। क्योंकि 18वीं तरमीम की बरकत से ही वो KP में वो कुछ कर पाई जिसको शोकेस करके उन्होंने बाकी पाकिस्तान में वोट लिए। तो मेरे ख्याल में इस मौजूदा हुकूमत में ये वर्ड बरकत जो है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गया है। आपने जो बात कही इस पे ब्रिगेडियर साहब जरूर राय देना चाहेंगे और उज्मा साहिबा भी, बिकॉज वो नफी में है, उनकी जिस तरह से वो स्माइल कर रहे थे लग रहा था कि वो आपके इस बयानी को बिल्कुल नहीं मानते, इस तज्जे से बिल्कुल भी क्या कहते हैं अग्री नहीं कर रहे। देखें, बेसिकली जो ये है ना 18th Amendment, ये उस सूरत में होनी चाहिए जब आपकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, करप्शन ना हो,
अवाम की फलाह के लिए काम करें, जितना पैसा मिले वो जुडिशल यूज़ हो। आपको पता है जो पैसा मिला वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, चाहे पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, ना एजुकेशन पर गया, ना हेल्थ पर गया, अननेसेसरी नॉन डेवलपमेंट चीज़ों पर गया और जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। नहीं, आप टोटली राइट ऑफ कर देंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जिनको लोगों ने चूज करके बिल्कुल नहीं कर, नहीं वोट हेल्थ और एजुकेशन फेडरेशन के पास आ जाएगा क्या? नहीं, फेडरेशन के पास ही आना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त करें जब आपकी गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग हो और डेमोक्रेसी की सही एसेंस को वो समझते हो। प्रॉब्लम ये हुई है कि पंजाब जब आपने फेडरेशन को ये 18th अमेंडमेंट लिया है उसके बाद कोई भी प्रोविंसीज में बिल्कुल ऑटोनमस आ गई, इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन क्या काम किए वो, कोई पैसा मिल गया, पैसा कहाँ गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आपकी बेसिक रूट्स बहुत स्ट्रांग हो गई हो, एक तो ये वजह है। फिर इसके साथ जब आपने ये 18th अमेंडमेंट लेकर है, डिज़ाइन पाकिस्तान की टिपिकल पोलिटिकल जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, यहाँ पर आपको ऊपर बहुत कुव्वतें अटैक कर रही हैं, वो पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह आप देखें चाहे इंडिया के नैरेटिव ले लें या आपके बाहर कुव्वतों का नैरेटिव लें, वो चाहते ही यही हैं कि फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाए, तो सूबे स्ट्रांग हो जाए। कल को सूबे भी तो पाकिस्तान के ही सूबे हैं, पाकिस्तान के हैं सूबे, लेकिन पाकिस्तान के सूबों के साथ एक बड़ा ही इस वक्त प्रॉब्लम है जो एनिमी नैरेटिव चल रहे हैं। और फिर यू थिंक वन यूनिट सूट्स पाकिस्तान, देखिए वन यूनिट पहले थी, अब तो खैर बात खत्म हो गई। बेसिकली देखें इस वक्त हालात बहुत डिफरेंट हुए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट की एक गलती ये है कि आप सबसे पहले अवाम को खुशहाल करें, अवाम की तवक्कोआत पे पूरे उतरें, गेट कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड देन डू स्टार्ट डूइंग व्हाट एवर यू वांट टू डू। इन्होंने सारे एवेन्यूज को ओपन खोल के रख दिया जिसकी वजह से ये कहीं के भी अभी कहीं भी इनकी ग्रिप प्रॉपर नहीं हो सकती। जी उस्मा साहिबा, नादिया दो बातें हैं, एक तो जरदारी साहब का की जो इस वक्त आज की स्पीच थी और जो 18वीं तरमीम का के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश की वो बिल्कुल जो है वो 0/0 है, क्योंकि ये जो ट्रेन मार्च है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको अपने नज़र आ रहा है कि उनको फेक अकाउंट्स का जो केस है वो उसमें अब अरेस्ट होने के चांसेस उनके बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए देखें 18वीं तरमीम जो है ना ये जब तक पार्लियामेंट में नहीं आएगी बड़ी इसके आप सारों को बैठ के इसके इकट्ठा मुश्तरका कोई लायमल बना के इसको रिव्यू करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरे मैं अपने भाई का थैंक यू अदा करना चाहती हूँ, इन्होंने जो कहा कि केपी में आप कुछ डेवलपमेंट कर सके एनएफसी अवार्ड्स की वजह से, दैट इज व्हाई आप इस वक्त हुकूमत में हैं, तो बात सारी तो यहाँ खत्म हो जाती है कि जो सूबों को पैसा दिया गया 18वीं तरमीम के बाद अगर तो सूबे सारे सही इस्तेमाल करते तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त सिस्टम होना था, लेकिन क्या बलूचिस्तान में जो स्टंटेड ग्रोथ है वो खत्म हो गई है, या पंजाब में जो आप देखते हैं जो हमारा यहाँ पे हालात है एजुकेशन और हेल्थ के, या सिंध में क्या वो ठीक हो गए हैं? तो जब ये मामला नहीं ठीक हुआ तो इसलिए इसका रिव्यू चाहिए, वरना और कोई बात नहीं है, फेडरेशन को सूबों के साथ मिलके हर हालत में चलना है। अब इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो हमारे साथ बैठे और मिलके ये सारी चीजें हैं ये तय करें। ओके, लास्ट 30 सेकंड्स है, हम लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू, लास्ट कॉमेंट। जी जी, देखिए दोनों जो हमारे मौजूद कोलीग्स है मेरे साथी है उन्होंने बार बार सेहत और तालीम की मिसालें दी हैं। सेहत और तालीम 18वीं तरमीम से पहले भी विफाक के पास नहीं था, सूबों के पास था, और कोई भी तरमीम आ जाए वो सूबों के पास ही रहेगा, बल्कि उसको डिवाल्व होके उसको जी बहुत छोटे लेवल पे था विफाक के पास, तमाम तर जो है वो सूबों के पास ही था, और आप कोई भी तरमीम ले उनको तो डिवाल्व करके आपको लोकल गवर्नमेंट तक लेकर जाना है। और आप ये बात कर रहे हैं कि आप उसको इस्लामाबाद में लाए विफाक के लाए, फॉर गॉड सेक आप यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो पैसे अच्छे इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोकल बॉडीज़ वक्त खत्म हो गया, बट ये 18वीं तरमीम बिल्कुल सही कहा ज़ैगम ने कि होशियारी से जरदारी साहब जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो एक जिसे कहते हैं अभी तक कानून साजी नहीं कर सकी, तरमीम तो बहुत दूर की बात होती है, उस पर बड़ा काम होता है, लेकिन 18th अमेंडमेंट के लिए अगर इसको मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर इसको टच किया हुकूमत ने कुछ इस अंदाज से, गलत अंदाज से, तो फिर जाहिर है कि ये एक वो मसला बन जाएगा कि जिस तरह से कालाबाग डैम कभी था और आज तक है। इजाज़
इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखना यह है कि अपोजिशन क्या वाकई वो अपोजिशन बनकर दिखाएगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल अपोजिशन साबित हो, या ये सिर्फ और सिर्फ जलसों में कहने की बातें हैं। असल में इतना क्राउड गैदर करना या अपनी पूरे पाकिस्तान में मूवमेंट चलाना ये इतना आसान काम नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।